परभनी जिले के जिंतूर शहर में बीते रविवार को औद्योगिक वसाहत सहकारी संस्था के चुनाव के दौरान दो गुटों में हुई झड़प इन दिनों सुर्खियों में है। पूर्व विधायक बोर्डीकर और पूर्व विधायक भामले समर्थकों के बीच उपजे इस उपद्रव को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पेश है NBCN संवाददाता जुबेर खान की ये रिपोर्ट। लगता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का दिमाग वाकई में खराब हो चुका है। रशिया और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों के बीच का मनमुटाव अब घमासान जंग में तब्दील हो चुका है। वहीं बात अगर भारत की हो तो यहां यूपी चुनाव के दौरान एक बड़ी पार्टी के नेताओं द्वारा विरोधियों की गर्मी उतारने की धमकी दी जा रही है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी और विपक्ष के नेताओं के बीच अभद्र भाषा का प्रयोग लगातार सुनने मिल रहा है। इतना ही नहीं, दो पूर्व विधायकों के समर्थकों के बीच सियासी आक्रामकता का मंजर परभनी जिले के जिंतूर शहर में एक चुनाव के दौरान सामने आया है। मालूम हो कि मराठवाड़ा के परभनी जिले के जिंतूर शहर में बीते रविवार को औद्योगिक वसाहत सहकारी संस्था के चुनाव संपन्न हुए। जिंतूर स्थित जिला परिषद स्कूल केंद्र पर जारी मतदान प्रक्रिया के बीच दो पूर्व विधायकों के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान हाथापाई, जूतम पैजार और पथराव से भरपूर मारधाड़ का नजारा काफी देर तक बना रहा। सूत्रों ने बताया कि जिंतूर तहसील औद्योगिक वसाहत सहकारी संस्था के संचालक मंडल के इस चुनाव के लिए 27 फरवरी को मतदान लिया गया था। इस दौरान जिंतूर की जिला परिषद स्कूल में यह केंद्र स्थापित था, जहां सुबह 9 बजे से मतदान प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस के पूर्व विधायक विजय भामले और बीजेपी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व विधायक राम प्रसाद बोर्डीकर के समर्थकों ने परिसर में डेरा जमा लिया। बताया जाता है कि इस दौरान कुछ लोग मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में पहुंचे। इस बात को लेकर कहासुनी होने के बाद देखते ही देखते दोनों गुटों में जमकर मारपीट शुरू हुई। इस बीच आमने सामने आए इन कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पथराव भी किया। घटना का पता चलते ही पुलिस ने घटनास्थल का रुख कर उपद्रवियों पर लाठी चार्ज किया। सूत्रों ने बताया कि इस दौरान सहायक पुलिस निरीक्षक गंगाधर गायकवाड़ और पुलिसकर्मी बालकृष्ण कामले को भी चोटें आई है। गौरतलब है कि इस घटना के बाद परभनी जिले के पुलिस अधीक्षक जयंत मीना ने जिंतूर पहुंचकर दलबल के साथ जिंतूर शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। मालूम हो कि जिंतूर औद्योगिक वसाहत चुनाव में बोर्डीकर गुट ने 12 में से 11 जगह जीतकर अपना वर्चस्व स्थापित किया है, तो वहीं दूसरी ओर भामले गुट ने चुनावी प्रक्रिया में बोर्डीकर गुट द्वारा चुनावी मर्यादाओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इसी तरह बोर्डीकर गुट ने भी पलटवार करते हुए भामले गुट पर मतदाताओं को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं। बहरहाल इस तरह की घटनाओं से यही कहा जा सकता है कि अब राजनीतिक क्षेत्र में दिन ब दिन नेताओं के नैतिक आचरण और उनके द्वारा राजनीतिक मर्यादाओं के उल्लंघन की घटनाएं कहीं ना कहीं थमना जरूरी है, क्योंकि इस बीच अनाप शनाप चर्चाओं का दौर जारी हो जाता है, जिसकी गर्त में स्थानीय जनता से जुड़े विकास के मुद्दे हवा हो जाते हैं और जनता बिचारी विकास के लिए तरसती रहती है। NBCN न्यूज़ के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।